नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फोनपे वॉलेट का कंप्लीट KYC कैसे करते हैं। फोनपे वॉलेट का कंप्लीट KYC हो जाने से आप जब भी किसी नंबर पर रिचार्ज करते हैं या फिर मनी सेंड करते हैं तो आपको कुछ कैशबैक मिलता है, तो इसलिए आपको फोनपे वॉलेट का KYC करना जरूरी होता है। साथ ही आपकी मंथली लिमिट भी बढ़ जाती है पैसे ट्रांजेक्शन करने का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल वाला आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नया वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फोनपे वॉलेट का कंप्लीट KYC करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में फोनपे ऐप्स को ओपन कीजिएगा फोनपे ऐप्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा माई मनी पे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे माई मनी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब माई मनी पे क्लिक कर देने के बाद इसे नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा फोनपे वॉलेट, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फोनपे वॉलेट पे। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनलॉक फुल वॉलेट बेनिफिट, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट KYC करने से आपको फायदा ये होगा कि आप अपने वॉलेट में बैलेंस को रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड मनी टू योर वॉलेट और उसके बाद आपकी मंथली लिमिट भी बढ़ जाती है, मनी लिमिट अप टू 10,000, मतलब कि आप 10,000 रुपये पर मंथ रख सकते हैं इसमें। और साथ ही आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर किसी व्यक्ति पर पैसे सेंड करते हैं तो आपको कुछ कैशबैक भी मिलता है, इसलिए आपको फोनपे वॉलेट का KYC करके रखना चाहिए। तो कंप्लीट KYC करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए कंप्लीट KYC। अब यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में एक कॉलम मिलता है डॉक्यूमेंट्स का, तो यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपके पास कौन से दस्तावेज हैं तो इसे सेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आप देखिए आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। तो इनमें से आपके पास जो भी है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको डालना होता है लाइसेंस का नंबर, मतलब डॉक्यूमेंट्स नंबर, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नेम। इतना कर लेने के बाद आपको क्लिक करना होता है वेरीफाई। तो इसके बाद आपकी फोनपे का कंप्लीट KYC हो जाती है, जिससे आपकी मंथली लिमिट भी बढ़ जाती है और आप अपने फोनपे वॉलेट में 10,000 रुपये तक अमाउंट भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके काम की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।